तो गाइज अभी हम बाबा जी से मिलवाते हैं, पहले तो बाबा जी को सत सत प्रणाम है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? तो अभी हम सुबह सुबह सोच रहे होंगे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आज वीडियो में बने रहें और हमारे साथ सहयोगी और हमारे दोस्त जो भी कहें प्रवीण जी साथ में चल रहे हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में, आज कुछ यूनिक चीज़ें और माता रानी का दर्शन करने जा रहे हैं जो कि आगे पूरा वीडियो में आप लोगों को दिखाई देगा। तो दोस्तों कैसा नज़ारा है यहाँ के आप लोग देख सकते हैं, तो चलते हैं आप लोग, फिर मिलते हैं पट्टी में। तो गाइस फाइनली हम पैदल चल के पट्टी आ चुके हैं, अभी प्रवीण भी हमारे साथ में है क्योंकि ये भी माता जी का दर्शन करना है, तो हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं कि हमें पैदल चलना है। वैसे चाहते तो हम लोग गाड़ी से या लिफ्ट लेकर के आ सकते थे, लेकिन जो एंजॉय पैदल चलने में सुबह सुबह वो सारी चीज़ें नहीं है। क्यों प्रवीण जी? बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ गया। और हमारे साथ में सुमित जी हैं जो कि पीछे हैं, अभी जा रहे हैं वो पढ़ाई करने, तो मिले हमसे तो बड़ा अच्छा लगा मिल करके। चल रहे हैं फिर से अब और आप लोगों से भी मिलाई, फाइनली पट्टी पहुँच चुके हैं और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे राजपूत चौराहा जो कि ढकुआ मोड़ बोलते हैं इसे। और अब इसके बाद हम चल रहे हैं बस में बैठने और फिर आप लोग आएंगे। अभी हम टेम्पो में बैठ चुके हैं और हमारे साथ में तीन लोग और हो चुके हैं प्रवीण के साथ में, और अभी सभी लोग मिलकर जा रहे हैं। अरे पीछे आप लोग भी दिखाई दो यार इमेज में। हो गया भाई, इसके बाद हम लोग अब मिलते हैं फिर से कहीं एक अच्छी जगह पर, बाकी माता रानी के दरबार में चलना ही। गाइस अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं बेला माँ के मंदिर के करीब में, तो यहाँ से 100 मीटर दूर है माता जी का मंदिर। तो भाई लोग उतर चुके हैं अभी टेम्पू से और उसके बाद हम चलते हैं माता जी के दरबार में। तो गाइस कुछ इस तरह के यहाँ के गलियाँ हैं और इधर आप देख पा रहे होंगे काफ़ी चीज़ें यहाँ से देखने लायक है। तो गाइज ये है माता रानी का एंट्री गेट जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और हम चल रहे हैं जी का प्रसाद, अभी हम लड्डू ले रहे हैं फिर उसके बाद आए चलने वाले हैं अंदर हम। तो चल रहे हैं माता रानी के दर्शन करने।
शुद्ध बनाने के लिए। अभी हम चलते हैं यहाँ सही नदी के पास, तो अभी चलते हैं फिर। अभी हम जा रहे हैं नीचे और हमारे साथ में जितने भाई बंधु लोग हैं वो लोग भी चल रहे हैं। तो अरे कहाँ चलना पड़ेगा परवीर? तो गाइस अभी नीचे उतर रहे हैं, ये यहाँ का पीछे का आप लोग लोकेशन देख पा रहे होंगे, अभी चलते हैं हम। तो गाइस अभी हम नीचे निकलने वाले, आप लोगों को दिखाते हैं सही नदी का दृश्य। हम माता रानी के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं, अभी हम चलते हैं अंदर और आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर के पास, पूजा हो चुका है माता रानी का और अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। साइड के मंदिर में, तो इधर कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। ये इसका पीछे का गेट है जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा है। देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा दिल को शांति मिल रही है और कुछ इस तरह से यहाँ का लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ का। तो गाइस अभी हम चल रहे हैं, एक बाबा जी से बात करेंगे, यहाँ के मान्यताओं के बारे में जानेंगे और ये कब से है और कब का मंदिर है, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में, प्रतापगढ़ के बेलहा माता की मंदिर के बारे में जानकारी लेंगे। अभी मिलते हैं आप बाबा जी के साथ। सत्सत प्रणाम है जो कि इसके बारे में बताएंगे। तो बाबा जी आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि ये यहाँ का क्या परंपरा है और यहाँ की जो रीत रिवाज है इसके बारे में आप बताएँ। यह हमारी बेलहा देवी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। लोग ऐसा कहते हैं कि त्रेता युग जो आज का नहीं, बहुत प्राचीन त्रेता युग का ये मंदिर है। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा ने लिखा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए उनको वनवास हुआ और भरत उनको मनाने के लिए गए थे, तो लौटते समय जो है यहाँ पर वास किए थे। रामचरितमानस की ये चौपाई आती है, सई उतरे गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, सई उतर के तब जो है गोमती में स्नान किया। यहाँ जो है ये बेलहा देवी मंदिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने बेला के पुष्पों को चुन करके माता जी को अर्पण किया, माता जी का पूजन किया, वंदन किया, आराधना किया, साधना किया, इसलिए जो है इसका नाम बेलहा देवी पड़ा हुआ है। और मान्यताएं हैं कि ये शक्तिपीठ है, सती पीठ है। सती पीठ जो है यहाँ एक बेला देवी जो है सती हुई थी और उसी के आधार पर, उनके सतीत्व के आधार पर जो है इसका नाम बेलहा देवी रखा गया। बड़ी प्राचीन मंदिर है, ईंटों की बनी हुई खंडहर के स्वरूप में जो है मंदिर, आजकल जो है सरकार के सहयोग से जो है सौंदर्यीकरण के कारण जो है बड़ा दिव्य दिखाई पड़ रहा है। बहुत जो है हम लोग इसके अथक प्रयास के कारण जो है इसको बड़ा सुंदर बनाए हुए हैं, इसलिए इसका नाम बेलहा देवी मंदिर पड़ा। हरिओम, बोलिए बेलहा मैया की जय। आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो बाबा जी का ये ज्ञान हमें बहुत अच्छा लगा। शायद आप लोगों को भी पता होगा कि ये प्रतापगढ़ का जो एक बेलहा माता का मंदिर है, ये एक धरोहर है प्रतापगढ़ का और यहाँ की काफ़ी सुंदरता बनाती है। यहाँ के हमारे जो भी भक्त हैं काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और माता जी का दर्शन भी करते हैं।
तो दोस्तों फिर आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की और सारी गाइस। फिर अब चलते हैं नीचे और पीछे ये मंदिर है यहाँ का माता रानी के। अभी हम लोग कुछ देर बैठते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। माता के मंदिर के पास आप लोगों को आना है तो अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप लोगों का प्रतापगढ़ स्टेशन पड़ेगा, जो कि वहाँ से आप स्टेशन पर उतरने के बाद टेम्पो लेंगे और बोलेंगे कि बेला माता के मंदिर के पास आप छोड़ना है, वो लोग छोड़ देंगे। और साथ में उसका सबसे बड़ा एक उदाहरण ये भी है कि वहाँ पर सही का एक पुल पड़ेगा, वहाँ से आप लोग रुक सकते हैं। और साथ में अगर बाई बस आ रहे हैं तो यहाँ की सरकारी बस जो है उसके माध्यम से आप लोग यहाँ का लोकेशन अगर बोलेंगे तो हर एक टेम्पो वाला प्रतापगढ़ का वो आप लोगों को छोड़ सकता है। गाइज यहाँ का गजब का दृश्य है, आप लोग शायद वीडियो में पूरा आप लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर यहाँ का लोकेशन अच्छा लगे तो एक बार विजिट जरूर करें और उम्मीद है कि यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर से चलते हैं बाहर और मिलते हैं। तो गाइज अभी हम चल रहे हैं बाहर और हमारे साथ में जो लोग हैं, तो गाइज हम बाहर निकलने वाले हैं और साथ में ये भाई साहब भी थे। कैसा लगा भाई यहाँ का लोकेशन माता रानी का मंदिर दर्शन करके, कैसा लगा? हेलो, दर्शन करके मजा आ गया भाई, और भूख लगी, बढ़िया लगा लेकिन भूख लगी बस। भूख लगा है, फुल्की खाया यार, यहाँ की फुल्की जिसे बोलते हैं बतासा पानी पूरी। हम खड़े हैं एंट्री गेट के पास और हम जा रहे हैं घर के साइड में। तो माता रानी को फिर से हमारा प्रणाम है, आप लोग भी खुश रहें और माता रानी की कृपा आप लोगों को पर भी बना रहे। अभी चलते हैं फिर, ये क्या कर रहे हैं देख रहे हो सभी लोग? जूता पहना पहन रहे हैं जूता, फिर उसके बाद निकल लोग अब जा रहे हैं घर के साइड में। और अभी ये गलियां हैं यहाँ की, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ का। अजमेर कैसा लगा? मज़ा आ गया भाई, आप लोग भी यहाँ जरूर आएँ कभी अगर प्रतापगढ़ घूमने आ रहे हैं। यहाँ की धरोहर की बात करें तो धरोहर है बेल्हा माता जी का मंदिर, जो कि पूरे प्रतापगढ़ की शान है। तो हम लोग अब जा रहे हैं घर के साइड में। अभी हम आ चुके हैं ब्रिज पर और कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। और अभी हमारे साथ भाई साहब सभी लोग हैं। तो गाइस ये कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अभी ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। तो गाइस अभी हम टेम्पो पा चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं घर के साइड में। कुछ इस तरह का यहाँ का नज़ारा है, आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं, अभी पहुंचे हैं 13 मील। अभी यहां से पट्टी कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर है, बैग दिखाएं। और उसके बाद अब हम लोग वहां पर पहुंचने के बाद पैदल यात्रा जरूर करेंगे, क्योंकि सवारी तो है नहीं मेरे पास। अभी हो सकता है गाड़ी आ जाए भाई, दबे मुझे कुछ नहीं पता है, ये सब परवेड के ऊपर है हमारे जो भी साथ। गाइज अभी हम 13 मील से निकल चुके हैं और पट्टी से अभी 2 किलोमीटर यहाँ से है और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं पट्टी। और उसके बाद हो सकता है हमारे यहाँ के सबसे फेमस मंचूरियन वाले, उनके यहाँ के अभी गुप्ता जी के यहाँ भी, गुप्ता जी के यहाँ हमें विजिट करना है और शायद सब खर्चा ये प्रवीण जी उठाएँगे। अभी हो सकता है 2-3 और कैशियर हमारे साथ बैठे हैं। तो भाई साहब कौन कौन पैसा पे करेगा? हम तो खाने वाले थे, बाकी हमारे पास पैसा ही नहीं है यार। सुमित हाथ उठा रहा है। तो आप लोग हमें प्यार दें तो हम भी खर्चा करेंगे। बाकी तो हमारे साथ में 3 कैशियर बैठे हैं, एक भाई साहब। भाई साहब अपना नाम बताइए। राज पटेल जी है और हम हैं संदीप जी हैं हम, और इधर साथ में भाई जी है। भाई पैसा कौन देगा पता नहीं, ये तो पहले बाय कर दे रहे हैं, तो यार हमें लगता है पैसा आसमिन देंगे। अरे गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पट्टी
और अभी सोनू भाई के यहाँ नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से निकलने वाले हैं। गाइस फाइनली हमने यहाँ पर नाश्ता हो चुका है हमारा और हम लोग यहाँ से अब चलने वाले हैं घर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ का नाश्ता करके, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं हमारे, और वीडियो में भी आपने देखा होगा सोनू भाई का मंदिर भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। गाइस हम पहुँच चुके हैं घर पर और आए हैं खेत में थोड़ा टहलने के लिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा माता रानी के दरबार में, और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो यह पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।